तेलंगाना में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल एक्शन में है कांग्रेस ने तेलंगाना को लेकर चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया है जिसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधु याक्षी गौड़ करेंगे कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है देखते हैं ये खास रिपोर्ट तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है ऐसे में कांग्रेस अभी से चुनावों की तैयारी में जुट गई है इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी की तेलंगाना यूनिट के साथ बैठक की बैठक के बाद तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने अभियान समिति गठित की इस समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद मधु यशी गोड़ है पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए लोकसभा वार पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्रह पर्यवेक्षकों के नाम फाइनल किए हैं एक पर्यवेक्षक लोकसभा की एक सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान देंगे तेलंगाना में लोकसभा की सत्रह सीटें हैं आपको बता दें कि प्रकाश राठौर को आदिलाबाद के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया गया है जबकि प्रसाद अब्बाया हैदराबाद की देखरेख करेंगे वहीं मोहन कुमार मंगलम को महबूब नगर निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। बीएम नागराज निजामाबाद पर ध्यान देंगे रविंदर उत्तम राव दलवी को वारंगल सौंपा गया है इसके अलावा पार्टी ने चुनावों की अभियान समिति की घोषणा कर दी है गोड़ को अभियान समिति का अध्यक्ष पोंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी को सह अध्यक्ष और सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी को संयोजक बनाया गया है पैनल में सैतीस सदस्य कार्य समिति होगी जिसमे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता विधान परिषद में विपक्ष के नेता कार्यकारी अध्यक्ष सांसद विधायक एम पूर्व सांसद विधायक और एम राज्य प्रमुख और राष्ट्रीय शामिल होंगे इसके अलावा फ्रंटल संगठनों विभाग के पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है आपको बता दें कि पिछले महीने खड़गे ने राज्य चुनावों की रणनीति तय करने के लिए तेलंगाना इकाई के नेताओं के साथ हुई एक बैठक की अध्यक्षता की थी गौरतलब है की तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति ने दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था लेकिन इस बार कांग्रेस के सी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है डीबी लाइव की रिपोर्ट